हमारी मैम क्लास आई, किताब खोल के बोली, हाँ तो बच्चों कल मैं कहाँ थी? तो हमने बोला, मैडम आप कल गणित वाले सर जी के साथ थी। ए भैया, गजब का नशा होता है इस फोन वाले इश्क में, वरना अंधेरे कमरे में लेट के एयरफोन की पप्पी कौन लेता है भाई। हमको देख के हमारे कॉलेज के सर बोले, ए उत्तम हल्ला मत कर, शांति के साथ बैठ जा। हमने कहा सर दिखता नहीं है। कहा शांति के साथ महेश बैठा है, मैं उसकी सहेली के साथ बैठ जाऊं? अपन ने पूछा पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैंने कहा मैं किराए से बस खरीदूंगा, फैक्ट्री बनाऊंगा, अपनी बीवी को कलेक्टर बनाऊंगा। पापा ने कहा हट सारे, आज तूने फिर सुरवंशम देखा। ए भैया, ये ट्रक वाले भी बड़ा ज्ञान देते हैं। ट्रक के पीछे लिखा था कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, तेज से चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। छोड़कर चली गई मुझे कोई गम नहीं, लेकिन अगर वापस आकर तुमने मेरी दूसरी सेटिंग बिगाड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम दूर से ही देख लेते हैं लड़कियों को भाई साहब, क्योंकि अब पास में जाके जूते खाने का शौक नहीं रहा। भैया हमारा अनुभव कह रहा है कि पुरुष एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है और औरतें दोनों कानों से सुनकर सिर्फ मुंह से निकालती है। ए भैया, प्यार से ही सही किसी लड़की को एक बार आंटी कह के तो देखिए, फिर ये झुलझड़ी सुतली बम से कम नहीं फटेगी। कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी का नहीं हूं फिलहाल, कोई तो मेरी हो जाओ। अच्छी खासी प्यार भरी चैटिंग हुआ करती थी हमारे उसके साथ, लेकिन एक दिन चलो मैं सोती हूँ की जगह उसने लिखा चलो मैं सोता हूँ। ए भैया, बेकार में शाहजहां ने इतना सारा पैसा खर्चा कर दिया, क्या मिल गया ताज से? हर रोज नई मुमताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से। जरा सी सर्दी क्या पड़ी, हमारे गांव में 5 का अंडा जालिमों ने 7 में कर दिया। पुरुष एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है और औरतें दोनों कानों से सुनकर सिर्फ मुंह से निकालती हैं।